नाम है मोहम्मद शबान। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक ब्लॉगर हूं, आज मैं आपको लेके आया हूं भुट्टो पार्क। मेरा नाम है मोहम्मद शबान। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक ब्लॉगर हूं, आज मैं आपको लेके आया हूं भुट्टो पार्क, जो कि बहुत ही अच्छा पार्क है और इसके साथ ही दरिया सिंध का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। आइए चलिए चलते हैं। वहाँ से दोस्तों लोकेशन देखिए, सामने दरिया सिंध है। अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ के कुछ अच्छे शूट्स लेंगे और बल्कि एक साइनेमेटिक वीडियोज़ भी बनाएंगे, आखिर में आपको लाजमी देखिएगा। हाँ तो दोस्तों चलते हैं भुट्टो पार्क की थोड़ी सैर वेर करते हैं। चलिए चलते हैं। आओ दोस्तों, क्या कर रहे हो यार, आ गया हो। ये हैं मेरे दोस्त अली और ये हैं मुदस्सर, ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, और इनके साथ आज मैं आया हूँ भुट्टो पार्क। और यहाँ से दरिया सिंध का जो व्यू आ रहा है और दरिया सिंध का जो पुल है तकरीबन 100 साल पुराना है, उसका भी आपको व्यू चेक कराते हैं। और एक दो लोकेशंस अच्छी मिली हैं, इसके भी वीडियोस बनाते हैं। असल में गर्मी बहुत है और रोज़ा भी होने की वजह से ना चला भी नहीं जा रहा, और बहुत सी अच्छी लोकेशन की जो वीडियो बना सकें, पर जितनी बनती हैं और वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। फिर भी चलिए चलते हैं। जी तो दोस्तों दरिया सिंध के किनारे के गेट पे ताला लगा हुआ है, अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ से और पुल से आपको इसका व्यू करवाएंगे, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा व्यू पुल से भी आता है। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिंध में भी बहुत सी जगह हैं जहाँ आप विज़िट कर सकते हैं, और इतनी खूबसूरत जगह होना किसी नेमत से कम नहीं है। और हमारे मुल्क के हालात अच्छे ना होने की वजह से लोग इन पार्कों का, इन अच्छे समझें के जगहों का विज़िट नहीं करते। तो आप भी आइए इन जगहों पे, बहुत ही अच्छी जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं। दोस्तों काफ़ी सारी वीडियोस बनाने के बाद अभी हम चलते हैं वापसी, बल्कि पहले हमने जाना है दाऊद माड़, वहाँ से फ्रूट वरूट ख़रीदना है अफ्तारी के लिए,